अल्लाह से दुआ मांगी जाए कि हमारी सुस्ती दूर फरमा दीजिए। एक शाहर ने हकीम उम्मत को मजदुल्लत मौलाना अशरफ ने साथ खानी नवर कदर को खत लिखा कि मुझे नेक आमाल में सुस्ती मालूम होती है, सुस्ती का इलाज और दवा लिख दीजिए। आपने सुनाया सुस्ती का इलाज चुस्ती है, देखिए काफिए की रियायत है, सुस्ती का इलाज चुस्ती है। काला साहब ने फर्ज से उसको शेर बना दिया, शायद से हजरत की आशिकों में से कि फरमा गए हैं हकीम उम्मत, फरमा गए हैं हकीम उम्मत, सुस्ती का इलाज बस है सुस्ती। एक मरतबा सर्दी का मौसम था, हजरत शाह अब्दुल हम साहब रहमतुल्लाह अलैह फूलपुरी कुछ सुस्ती महसूस फरमा रहे थे, अचानक उठे और फरमाया बनाशी लाओ। फिर फरमाया कि हमारे हजरत फरमाया करते थे यानी हकीम उम्मत मुजीबुल मिल्लत मौलाना अशरफ निसार खान ने नवर अल्लाह का कदर कि करने के काम तो करने से होते हैं, बैठने से नहीं होते, जो काम करने के हों करने से होंगे। अगर आप यहां बैठे रहें और घर जाने का इरादा करते हैं मगर कदम न उठाए तो आप मस्जिद में रहें, या घर में बैठे हुए हैं इरादा करते हैं कि मस्जिद में चलकर नमाज पढ़ें, लेकिन इरादे से अमल का फासला रहता है जब तक आप हिम्मत करके उस काम को शुरू न कर दें। तो ये एक जुमला जो है बुजुर्गों का कि भाई करने के काम तो करने ही से होते हैं, लिहाजा वो खड़े हुए। तो अल्लाह ताला से बहरहाल दुआ भी करे, खुद भी करे, बुजुर्गाने दीन से दोस्तों से भी दुआ कराए कि अल्लाह ताला सुस्ती से बचाए। एक दुआ भी है अल्लाह कसल, कसल के माने ताकत है मगर फिर भी सुस्ती से अमल नहीं करता। ये दुआ यहां मुफ्त मिलती है, ये रखी हुई है मेंबर पर, अगर यहां कम हो जाए तो और भी आप लोग ले सकते हैं।